अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, एक चटनी की, जो कि सूखी चटनी सेंग की होती है, तो उसकी रेसिपी है, देख लीजिए। क्योंकि मैं जो कुछ भी बना रही हूँ आजकल वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए बहुत सिंपल सा ये चीज़ है, तो ये भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये सेंग है 150 ग्राम, तो इसे हमें भून लेना है और सेक कर हमें इसका छिलका निकाल लेना है। ज़्यादा मत सेकिएगा वरना चटनी कड़वी हो जाएगी। ओके, तो ये 150 ग्राम सेंग है और ये सूखा खोपरा है, तो सूखा खोपरा 2 चम्मच है, और तेज़ लाल मिर्ची है 3 पीस, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बच्चे नहीं खा पाते तो इसीलिए ये ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। थोड़ी सी नमक है, थोड़ा सा, 1/2 चम्मच, और 5-6 जो कलियाँ हैं वो लहसुन की, और थोड़ी सी शुगर। शुगर जो है वो इसीलिए लिया है कि वो टेस्ट को बैलेंस करेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें ले लेना है। सेंग को पहले हमें भूनकर उसका छिलका निकाल के साफ़ करना है, और ये सारी चीज़ें लेना है, और इतनी ही चीज़ों को बस हम पीस लेंगे, और हम ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, बिल्कुल एकदम दरदरा पीसेंगे, मोटा मोटा, तो इससे बहुत ये चटनी बन जाएगी। देखिए व्यूअर्स, इस तरह की ये चटनी बनेगी। तो इसका सिंपल खाना डाइट आप खा सकते हैं, कभी कभी जब आपका मन ना हो खाना पकाने का, तो देखिए इस तरह से आप गरम गरम खिचड़ी, अचार, चटनी, दही और आलू की सिंपल सब्ज़ी।